और चलिए अब बात कर लेते हैं पुलिस की, क्योंकि पुलिस की कार्यप्रणाली पर आए दिन कई सवाल खड़े होते रहते हैं। मामला जयपुर आयुक्तालय के शास्त्री नगर थाने का है, जहां पर थाने का हिस्ट्री शीट पर मारपीट के मामले में राजीनामा कराने थाने पहुंच गया। फिर क्या हुआ शास्त्री नगर थाने में, देखिए इस रिपोर्ट में। जयपुर के शास्त्री नगर थाने का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में शास्त्री नगर थाने का हिस्ट्री शीटर लियाकत अली मारपीट के एक मामले में थाने पहुंचकर धौंस जमाता नजर आ रहा है। पुलिस थाने में हिस्ट्री शीटर का बोलबाला, हिस्ट्री शीटर के इशारे पर काम करती है पुलिस, हिस्ट्री शीटर के इशारे पर ही होती है गिरफ्तारी। शास्त्री नगर थाना इलाके में करीब एक महीने पहले दो युवकों ने आफाक नामक युवक के साथ मारपीट की। आफाक अपने पिता को लेकर शास्त्री नगर थाने पहुंचा और मुकदमा दर्ज कराने की गुहार लगाई। इसी दौरान हिस्ट्री शीटर लियाकत अली वहां आ गया। फिर सब कुछ वही हुआ जो हिस्ट्री शीटर ने कहा। ड्यूटी ऑफिसर बद्री प्रसाद की सीट के बगल में खड़ा होकर हिस्ट्री शीटर लियाकत अली राजीनामे का दबाव बनाता रहा। हिस्ट्री शीटर के कहने पर ही ड्यूटी ऑफिसर बद्री प्रसाद ने मारपीट का मुकदमा दर्ज करने के बजाय आफाक और मारपीट करने वाले एक युवक को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इसी दरमियान कुछ हमलावरों ने आफाक के घर पहुंचकर परिवार वालों पर धावा बोल दिया और जान से मारने की धमकी देने लगे। पुलिस की चेतक वहां पहुंचती है और इस बात की पुष्टि करती है कि कुछ लोग अभी अभी आफाक के घर पर हमला करके भाग छूटे हैं। इसके बावजूद भी शास्त्री नगर पुलिस ने पीड़ित को राहत देने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। मेरे बेटे को पहले तो पीटा, मैं FIR दर्ज कराने गया तो वहाँ पे लियाकत दादा ने मेरे को कहा कि FIR मत करा, नहीं तो तेरे खिलाफ भी हम कार्रवाई करवा देंगे और उसमें ये लिखवा देंगे कि ये इनकी बहन बेटी को, इनको माँ को, माँ बहन को छेड़ रहे थे, तो तेरे बेटे को और तेरे को भी बंद करा देंगे। और उसने ऐसा ही कराया, मेरे बेटे को भी 151 में बंद करा दिया। मारपीट और धमकियां देने की यह घटना 8 अगस्त की है। एक महीना पूरा होने को है लेकिन शास्त्री नगर पुलिस ने पीड़ित की तरफ से कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है। 8 अगस्त की रात को भी ड्यूटी ऑफिसर ने हिस्ट्री शीटर लियाकत अली के लिए कुर्सी मंगवाई और खुद के बराबर बिठाया। अब आप समझ गए होंगे कि ऐसे हिस्ट्री शीटर को अगर पुलिस की शह मिल जाए तो इलाके में कितना खौफ होता होगा। पीड़ित निजामुद्दीन ने उच्च अधिकारियों को भी शिकायत और वीडियो फुटेज भेज दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शास्त्री नगर थाने के CLG सदस्य मोहम्मद हफीज ने बताया कि अगर हिस्ट्री शीटर खुद थाने में मौजूद होकर फरियादियों को धमकाएंगे तो लोगों का पुलिस से विश्वास ही उठ जाएगा। उसके बाद में मुकदमा करा रहा था, मेरे घर के अंदर हमला किया। मैं वहाँ कह रहा हूँ मेरे घर में अंदर गुंडे घुस गए हैं, मेरी बीवी बच्चियों को गंदे गंदे इशारे करे हैं और अपने बद्री जी PCR गई थी वहाँ पे, उससे वेरीफाई भी किया था कि हाँ भाई ऐसा हुआ। उसके बाद में भी उन गुंडों पे किसी पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे एरिया का जो सीसीडर है लियाकत, वो थानेदार के पास DO के पास बराबर में बैठ करके और डायरेक्शन दे रहा था और हमें 20 साल होगी थाने जाते हुए, CLG मेंबर हम थाने के, लेकिन हमने थाने पे आज तक ऐसा कोई करते देखा नहीं। हमें भी शर्म आती है कि थाने पे एक हिस्ट्री शीटर की इतनी इज्जत देख के हमें भी अजीब सा लगता है। ये हिस्ट्री शीटर जयपुर के एक पूर्व विधायक का शागिर्द बताया जा रहा है। ऐसे में पुलिस इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है लेकिन इस घटनाक्रम ने पुलिस की कार्यप्रणाली की पोल खोल दी है। अब देखना ये होगा कि खबर प्रसारित होने के बाद उच्च अधिकारी इस घटनाक्रम में क्या एक्शन लेते हैं। फर्स्ट इंडिया के लिए राम स्वरूप की रिपोर्ट।